Hello students, welcome in my EVS class. Before start today's topic, I want to say something that if you have any problem, any query, any doubt related to the videos, please concern with your teacher. आप जब तक हमें अपनी problems नहीं बताएंगे, हम लोग आपकी problem को solve नहीं कर पाएंगे. So, अगर आप लोगों को videos से related कोई भी problem हो, कोई भी doubt हो, तो आप concern teacher के साथ में उसे share कीजिए, जिससे आपकी problem का solution हो पाए. एंड वन मोर थिंग, आप लोग अपने क्लास के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको डे बाई डे उसके नोटिफिकेशंस मिलते रहे, तो आपको वीडियोज़ को सर्च करने में प्रॉब्लम नहीं होगी. ओके, सो लेट्स स्टार्ट टूडेज टॉपिक, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम PDS. ओपन पेज नंबर 73 ऑफ योर EVS बुक. लेट्स स्टार्ट रीडिंग. द गवर्नमेंट टेक्स मैनी स्टेप्स to make sure that people get food grains at a reasonable price through the public distribution system. Public distribution system क्या होता है? Government ने एक ये जो system start किया था, जिसमें क्या होता है कि जो public होती हैं उसे एक reasonable price में food grains, जो अनाज होते हैं, वो मिल पाए. जब कोई problem होती है या फिर कोई war होता है या कोई natural disasters आता है, जिसमें फूड ग्रेन्स की, अनाज की, ये जो होती है, इनकी प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, ठीक है, तो जो गरीब लोग होते हैं, गरीब किसान होते हैं, वो उन चीज़ों को, उन अनाज को नहीं खरीद पाते हैं. तो गवर्नमेंट ने एक सिस्टम स्टार्ट किया था, जिसमें क्या होता है कि जो फूड ग्रेन्स वगैरह होते हैं, वो लोगों को एक रीज़नेबल रेट में, जो वो अच्छे से अफोर्ड कर पाए, उस रेट में उनको मिल जाते हैं. द गवर्नमेंट ओन्स अ चेन of shops or distribution centers from where the people can buy food grain, sugar, oil and kerosene at controlled rates. इस सिस्टम के थ्रू क्या होता है, जो लोग होते हैं उन्हें एक कंट्रोल रेट, मतलब एक रीजनेबल प्राइस, जिसे वो लोग, जिस प्राइस के अंदर लोग उसे इजीली खरीद पाए, किन किन चीज़ों को, शुगर है, ऑयल है, किचन में काम, मतलब खाने से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है, वो उन्हें रीजनेबल प्राइस में मिल जाती हैं. ईच फैमिली कैन गेट अ राशन कार्ड मेड एंड इज अलाउड टू बाय एट फिक्स्ड अमाउंट्स. जितनी भी फैमिलीज होती हैं, उन्हें राशन कार्ड बनाना कंपलसरी होता है. जो गवर्नमेंट होती है, वो हर फैमिली के लिए राशन कार्ड बनाती है. आपके फैमिली की, आपका भी राशन कार्ड बना हुआ है. Some PDS outlets also distribute clothes, exercise book, pulses, tea and salt. कुछ जो PDS outlets होते हैं, public distribution systems होते हैं, वो food grains के साथ साथ जो कपड़े होते हैं, books वगैरह होती है, tea होती है, नमक होता है, इनको भी distribute करने का काम करते हैं. During disasters such as droughts and floods, the government opens food distribution centers. ये जो फूड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स होते हैं, ये कब ओपन किए जाते हैं? जब कोई नेचुरल डिजास्टर्स आती है, बाढ़ आ जाती है या फिर ड्रॉट्स, अकाल, सूखा पड़ जाता है, तो जो गवर्नमेंट होती है हमारी, वो ये फूड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स ओपन करती हैं. वेयर फूड ग्रेन्स आर समटाइम्स डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री ऑफ कॉस्ट टू द पीपल. जहाँ पर क्या होता है, जो अनाज होते हैं, कई बार वो फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब फ्री में लोगों को प्रोवाइड की जाती हैं, जिससे ऐसी प्रॉब्लम्स के टाइम पर लोगों को खाना मिल सके. तो आज का आपका टॉपिक था पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, PDS सिस्टम क्या होता है, जिसमें कोई भी नेचुरल डिजास्टर्स होती है या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आती है, जब लोगों को खाना नहीं मिल पाता है या फिर हाई प्राइस पे लोग उन फूड ग्रेन्स को, अनाज को नहीं खरीद पाते हैं, तो जो हमारी गवर्नमेंट होती हैं, वो पब्लिक फूड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स ओपन करती है, जिसमें लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट खाना मिल सके या फिर एक रीजनेबल प्राइस में वो अपने फूड ग्रेन्स को खरीद सकें. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स.